नेपाल के गौरीकुंडा सीमा पर पत्रकार के साथ एसएसबी जवानों के द्वारा मारपीट करने और अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पत्रकारों की बैठक हुई। योगी राज होने के बावजूद भी पत्रकारों पर हमले होना कम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल के गौरीकुंडा सीमा पर पत्रकार महेश सिंह भदौरिया के साथ बीते दिनों एसएसबी जवानों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिसके फलस्वरूप मारपीट में पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया था, जिसमें कोतवाली पुलिस ने घायल पत्रकार की डॉक्टरी करवाई थी। लेकिन कई दिन जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी एसएसबी जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज बना हुआ है। पत्रकारों का संघ, उसके हम जो है सदस्य भी हैं भारत नेपाल मैत्री संघ का। दूसरी बात यह है कि ये बॉर्डर जो है हमारे भारत और नेपाल का रोटी और बेटी के संबंध है। आना जाना मतलब लगा रहता है नेपालियों का और भारत के लोगों का। 29 तारीख की शाम की बात है, देर शाम मैं इधर से जा रहा था, उधर से कुछ लोग आ रहे थे। कस्टम चौकी से थोड़ा सा आगे बैरियर पर जो है एसएसबी जवानों द्वारा जो है हो हल्ला मचाया जा रहा था। जब मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा तू कौन होता है। मैंने कहा कि मैं दैनिक जागरण से रिपोर्टर हूँ यहाँ का बॉर्डर का। इतने में जो है वो लोग जो है बोले अच्छा यही है पत्रकार दैनिक जागरण का। उसके बाद में उन लोगों ने जो है मतलब जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने उनके अधिकारी जो थे वहाँ 2IC सुरेश जाट जी, उनसे मेरे मतलब जो है अच्छे मतलब जो है घनिष्ठ मित्रों में संबंध है। मैंने जब उनका नाम लिया कि मैं अभी सुरेश जाट सर को बुलाता हूँ तो बोले कि वो क्या कर लेगा मेरा। उसके बावजूद भी वो लोग जब वो पहुँचे घटना तब भी वो लोग मारते पीटते रहे। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा करके मैं अपने बच्चों के घर धनगढ़ी नेपाल चला गया। आपके साथ जो घटना हुई है क्या इसमें अभी तक कोई FIR या किसी भी संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि 30 तारीख को मैंने पुलिस को जो है अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निवेदन दिया था। डॉक्टरी तो करवाई लेकिन पुलिस ने जो है 10 दिन के अंदर उसमें से कोई कार्रवाई नहीं की है और सुलह समझौते का प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा। बीते दिनों भारत नेपाल सीमा पर गौरीकुंडा जो बॉर्डर है उस पर एक दैनिक समाचार पत्र के सम्मानित संवाददाता के साथ SSB के कुछ जवानों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की कार्रवाई की थी। ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है उनका और इससे सारे क्षेत्रीय पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। उसी को लेकर के आज PWD इंस्पेक्शन हाउस में एक बैठक की गई थी सभी पत्रकारों के साथ और सर्वसम्मति से उनके इस कृत्य की SSB के निंदा की गई। इस संबंध में पुलिस और SSB के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता भी की गई है और उन्होंने कल तक जो है इस मामले में निर्णय लेने की बात कही है। कल तक प्रतीक्षा करते हैं कि क्या होता है और यदि कोई सटीक कार्रवाई नहीं हुई इस संबंध में तो पत्रकार मिलकर के आर पार की लड़ाई इसमें लड़ेंगे और इसको आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद।